लगता है ट्विटर ने जो रायता फैलाया है उसे समेटने का कार्य शुरू हो चुका है। हाल ही में ट्विटर ने एक अहम निर्णय लेते हुए ट्विटर इंडिया के तत्कालीन MD मनीष महेश्वरी को यानी अमेरिका स्थानांतरित किया है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन असली कारण सर्वविदित है। मनीष यदि जरा भी और टिके होते तो ट्विटर का फजीहत होना तय था। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है। मैं अभिनव आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर मनीष ऐसा क्या जानते हैं जिससे ट्विटर की पोल खुल सकती थी। इस पर एक विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें जनवरी 2021 की ओर जाना होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का शासन छोड़ा था। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से बाहर करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? डेमोक्रेट्स का नहीं, एंटीफा का नहीं, असल में ट्विटर के नेतृत्व में सोशल मीडिया के बिग टेक समूह ने फेक न्यूज का एक ऐसा माया जाल फैलाया जिसे तोड़ पाने में डोनाल्ड ट्रंप असफल रहे और वे सत्ता से बाहर हो गए। ये बिग टेक अपारदर्शी हैं, अलोकतांत्रिक हैं और किसी भी तरह से एक सशक्त लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी सत्ता को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। ऐसे में भारत के उदय पर बिग टेक की चिंता स्वाभाविक है। इसीलिए टूलकिट से लेकर फेक न्यूज को ट्विटर के नेतृत्व में बिग टेक ने जमकर बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप किसान आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी को लाल किला परिसर में खालिस्तानियों ने जमकर उपद्रव भी मचाया। डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से निकालने के बाद ट्विटर को लगने लगा था कि वह तो सर्वशक्तिशाली है, वह किसी भी कानून से ऊपर है और उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन इसका मनीष महेश्वरी के मामले से क्या संबंध है? आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि मनीष महेश्वरी को स्थानांतरित करना ट्विटर के लिए इतना अवश्यंभावी हो गया? इसके पीछे दो कारण हैं, मोदी प्रशासन की सतर्कता और लोनी घटना पर ट्विटर की हेकड़ी उसी पर भारी पड़ना। ट्विटर को ऐसा लगने लगा था कि उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन मई 2021 में जब उसने केंद्र सरकार के IT अधिनियमों को मानने से मना किया और जानबूझकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड की श्रेणी में डाला, तो केंद्र सरकार ने भी ट्विटर के पेंच को कसना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, लोनी मामले में जब वामपंथियों ने फेक न्यूज फैलाई तो ट्विटर ने स्वयं अपने स्तर पर इसे बढ़ावा दिया। बाद में जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने आपत्ति जताई तो ट्विटर ने कार्रवाई करने से साफ मना कर दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार भी सवा शेर निकली। उन्होंने ट्विटर को नाको चने चबवाने पर विवश करते हुए उन्हीं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया। ट्विटर ने हर जगह हाथ पांव मारे, लेकिन उन्हें असफलता ही हाथ लगी। इसके साथ ही ट्विटर से निपटने के लिए मोदी सरकार ने कैबिनेट में फेरबदल करते हुए अश्विनी वैष्णव को IT मंत्री बनाया, जो ऐसे मामलों से निपटने में विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनके IT मंत्री बनते ही ट्विटर न केवल लाइन पर आया, बल्कि इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को IT अधिनियमों के संशोधन को भी मानने पर विवश होना पड़ा। मनीष महेश्वरी ने अपनी ओर से ट्विटर की रक्षा करने का भरपूर प्रयास किया, परंतु ट्विटर भी भली भांति जानता है कि इस बार बाजी मोदी सरकार ने मारी है। इससे पहले ट्विटर ने कभी किसी भी सरकार से इस प्रकार की कार्रवाई के बारे में सोचा तक नहीं था। अब बात उसके इज्जत पर बनाई है। यदि मनीष महेश्वरी कानून एजेंसियों के शिकंजे में आ जाते तो न केवल ट्विटर के कार्यशैली की पोल खुलती, अपितु मोदी सरकार ट्विटर का वो हाल करती जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसे में ट्विटर ने यही श्रेयस्कर समझा कि अपनी पोल खुलवाने और अपना भर्ता बनवाने से अच्छा है कि मनीष महेश्वरी को स्थानांतरित कर दो, ताकि ट्विटर के मुख्य कार्यालय तक कार्रवाई की आंच पहुंचे ही ना। अन्यथा जब मोदी प्रशासन की कार्रवाई ने चीन तक को पीछे हटने से मजबूर कर दिया, तो फिर जैक डॉर्सी तो सिर्फ एक कंपनी के मालिक हैं और कोई भी प्राइवेट कंपनी देश से बड़ी नहीं होती।